हम तो सो गए थे, तो अभी हम तो सो गए थे, लेकिन परेशानी की थोड़ी सी बात है। हम बिस्तर लगाकर अब तो सब सो गए थे, लेकिन अभी घर से कॉल आ रही है क्योंकि हम दोनों फैमिलियाँ, जैसा कि आपको बताया, कि आई हुई हैं। बच्चे घर में थे, बाबर था और बाकी के बच्चे थे, तो बाबर की बार बार कॉल आ रही है कि घर में कुछ थोड़ी सी परेशानी है। बकरी मेरे ख्याल में 2-3 दिन से ना उसने एक बच्चा दिया था, तो वो थोड़ी बीमार थी मेरे ख्याल में, अभी वो बीमार है। तो अभी मैं चेक करती हूँ, फ़ोन करके पूछती हूँ कि मसला क्या है। हाँ, क्या हुआ है बाबर? जल्दी है, जाना मसला हो गया है, बकरी जाना बहुत ज्यादा, बकरी बीमार है। क्यों, क्या हुआ है बकरी को? बस अभी मैं आया हूँ दवाई लेने के लिए ना, जल्दी आया, मेरे डॉक्टर ने बोला कुछ इतना दे। अच्छा चले ठीक है, फिर देखते हैं, कोशिश करते हैं। जो है ना, हमें चलना पड़ेगा घर की तरफ, क्योंकि हम तो इधर ही थे रात को, लेकिन अभी मसला हो गया है घर में, तो मेरे ख्याल में अभी जाना पड़ेगा। सफर तो है, 1.5 घंटे 2 घंटे का सफर है, तो गाड़ी है, मसला गाड़ी का, सवारी का मसला तो खैर नहीं है, गाड़ी अपने पास है, तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द पहुंच जाएंगे। आप लोगों ने भी दुआ करनी है हमारे लिए, तो अभी चलते हैं फिर घर। चलो अभी बच्चों, अभी इधर कैंसल सोने का प्रोग्राम कैंसल, घर जल के सोएंगे फिर। चलो तैयारी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, आ जाओ भाई तुम भी, अपने सब सामान वगैरह उठा लो। ठीक है, ओके ओके, अल्लाह हाफिज। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, तो हमारी एक बहन हमसे मिलने के लिए आई हैं, सुबह सुबह ही आज आ गई हैं, तो कहती है मैं सुबह सुबह जल्दी उठी और जल्दी से घर से निकली और माशाल्लाह से टाइम पर आप लोगों के घर पहुंचाई हूं। तो हम भी रात काफ़ी लेट आए थे, तकरीबन 10-10:30 बजे का टाइम था जब हम वापस आए थे, तो मैंने कहा कि अभी अभी आई हैं सुबह से, घर से निकली हैं, तो मैंने पूछा उनसे कि आपने खाना खाना है या खाना वगैरह मैंने खा के आई हूँ या खाना है, तो उन्होंने कहा कि नहीं खाना, तो मैं खाना सिर्फ चाय बना दो। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ चाय बना दो, तो मैंने सोचा खाए किचन में बैठते हैं और चाय बनाते हैं, फिर आप लोगों को अपने उस मेहमान से भी मिलवाते हैं जो बहन हम से काफ़ी दूर से मिलने आई है, तो लेकिन अब जी हुई थी कि मैं चाय बना रही हूँ, चाय बना के फिर आप लोगों से मुलाकात करते हैं। तो अभी जाना, ये देखिए चाय हमारी हो गई है तैयार और चाय हम निकालते हैं। तो रात जो है ना काफ़ी लेट आए थे, तकरीबन 10-11 बजे के करीब करीब आए थे, और मैं तो इतनी ज़्यादा थक गई थी ना, मेरे सर में दर्द हो गया था, एक घर की परेशानी कि जल्दी जल्दी से घर पहुंचना है, लेकिन अल्लाह का करम हो गया है, सब कुछ ठीक हो गया है। और ऐसे इसको असीब जो है ना, रात को गाड़ी में तो सोया रहा, लेकिन जब इधर आया ना तो यहाँ आकर थोड़ी देर खेला, और जो उसे बाजा लिया हुआ था ना, उस सुबह सुबह उठ के ना सबको उसने जगाया है उस बाजे से, उसको कहता था मम्मा आज भी मेरी छुट्टी करा दे, मैंने कहा छुट्टी नहीं करानी आपकी, कहते मैं थका हुआ हूँ, मैंने कहा तुम थके हो तो मैं भी थकी हुई हूँ, तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा। अभी चाय लेकर चलते हैं अंदर। और
हम आप लोगों को अपने मेहमान से भी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेहमान आए हुए हैं, तो आप अपना तारफुत करें। मेरा नाम श्रेया है और मेरे चैनल का नाम किचन विद श्रेया टिप्स एंड व्लॉग है। मुझे आप लोगों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है और मैं यहाँ पे आई हूँ बाजी के पास तो अपनी सपोर्ट के लिए, तो आप मेरी भी सपोर्ट कीजिए और अल्लाह ताला साहब को कामयाब करे। मेरी तो हमेशा हर किसी के लिए यह दुआ होती है, आप चाहें जी। बहुत शुक्रिया। बाकी लिंक जो है ना हमारा, हमने इसका अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में, तो आपने वहाँ जाकर फॉलो करना है। हाँ तो व्यूअर्स, अभी जो है ना हम रात को काफ़ी लेट पहुँचे थे, तो माशाल्लाह से अभी सुबह का वक्त हुआ है, तो अभी नाश्ता वगैरह बच्चों को कराया है, स्कूल भेजा है, और हमने सोचा है कि आज की रूटीन आप लोगों से शेयर कर लें, क्योंकि रात काफ़ी लेट एक तो पहुँचे, दूसरा हमारा मोबाइल बंद हो गया था, तो हम रात को वापस आए तो वीडियो नहीं बना सके, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ कुछ शेयर कर लिया जाए। और रात जो हमने आपको बताया था कि हमारी बकरी बीमार होगी और इमरजेंसी हमें वापस आना पड़ा है, तो चलें चल कर देखते हैं, क्योंकि माशाल्लाह से उसका इलाज वगैरह बा चौधरी बाबर ने ना उसी वक्त जाकर अस्पताल से दवाई ले आए, हमारे आते ही वो दवाई लेकर आ गया था, तो हमने उसको दवाई दी, क्योंकि रात के वक्त डॉक्टर तो ज़्यादा आते नहीं हैं, तो दवाई हमें खुद ही देनी पड़ी, तो कुछ एक दो आद... तो अभी चलते हैं बाहर और आप लोगों को वो बकरी भी दिखाते जो रात हमारी बीमार हो गई थी। आए बात करते हैं, जी हमारी बकरी है बेचारी, रात को इसको ना बहुत ही तेज़ बुखार हो गया था और अभी भी जैसी है, थोड़ा थोड़ा घास खाती है, शुक्र है कि सुबह जब रात को दवाई वगैरह दी है तो कुछ बेहतर हो गया, क्योंकि इसको बुखार बहुत तेज़ हो गया। जब से इसके मुर्दा बच्चे पैदा हुए थे ना, तब से ना कभी बीमार रहती है, कभी सही हो जाती है, कभी कैसे और कभी कैसे, ढूंढते हैं, कहते हैं कि अब छांव होनी चाहिए, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं और मौसम जितना भी तब्दील हो जाए, रात को भी काफ़ी हवा चली थी, ठंडी ठंडी हवा चलती रही है, बादल बहुत ज़्यादा, बादल से छाए, मैं तो सोच रही थी कि आज बारिश होने वाली है, लेकिन बारिश तो नहीं हुई और मौसम कुछ साफ़ हो गया है, लेकिन गर्मी जो है ना, जब ये गर्मियाँ आती है ना, तो गर्मी अपना असर खुद ही दिखाती है। चलिए, तो मेरे कबूतर हमारे ऊपर बैठे हुए थे, मैंने उनको उड़ा दिया, थोड़ी देर रहा उनके पास आ गया वो कबूतर, फिर मैंने उनको दाना इधर डाला, कबूतर मुझे कबूतर जो है वो नीचे आ गया। अब मैंने ना क्या किया, मैंने ना उसको पीछे से उसको थोड़ा सा आश्रय किया कि आप अंदर जाएं, वो कमरे में गए, मैंने इसका दरवाज़ा बंद कर, क्योंकि इसमें मैं जाकर कबूतर पकड़ नहीं सकती थी इसका दरवाज़ा छोटा है, मैंने ना इसका दरवाज़ा बंद कर दिया और छोड़ दिया, कहा कि कोई बच्चा आएगा ना उसको कहूँगी कि इसमें से मुझे निकाल कर देगा, फिर मैं उसको बांध के रखूँगी। तो थोड़ी देर बाद एक बच्चा आया, तो मैंने उसको कहा इधर मैंने कबूतर पकड़ा हुआ है, मुझे इस वजह से निकाल के दो, मैं इसको बांध के रखती, फिर अदर नान आएगा उसको दिखाओगे। तो इस तरह से ना मैंने कल कबूतर पकड़ा है, और मैंने जब देखा, मुझे उसने कहा कि आंटी छोटे छोटे ना प्यारे प्यारे से बच्चे निकले हुए हैं, तो मैं देखती हूँ मेरे हाथ आते हैं तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। और ये देखे कितने प्यारे प्यारे ना कबूतर के बच्चे निकले हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं ना, कितने क्यूट हैं, दो बच्चे, क्योंकि कबूतर के ना अक्सर सिर्फ दो ही बच्चे होते हैं, दो होते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा तीन बच्चे होते हैं कबूतरी के, और जो मुर्गियों के तो काफ़ी सारे होते हैं, पंद्रह पंद्रह बीस बीस, जितने अंडे रख दो उतने बच्चे निकल आते हैं, लेकिन कबूतर जो है ना सिर्फ दो या तीन अंडे देती है कबूतरी, और उसके जो है सिर्फ दो या तीन बच्चे निकलते हैं। तो अभी जो है ना देख रहे थे ऊपर बेर की तरफ, तो लगता है इस साल ना जो गुलहरी है ना, ये हमें बेर नहीं खाने देगी, जितनी भी कोशिश करती, इधर देखो वो जा रही है, जितनी भी कोशिश कर ले ये भागती नहीं है, सारे के सारे बेर काटे जा रही हैं और नीचे फेंके जा रही है, सब के सब जितने बेर हैं नीचे फेंक रहे हैं, काट काट के कुछ खा जाते हैं, कुछ काट के नीचे फेंक देते हैं। चले अभी जो है ना थोड़ा सोच रही थी कि रात दो जो परेशानी हुई, तो बच्चे जो है ना घर में अकेले होते हैं तो
परेशान हो जाते हैं, थोड़ी सी भी गड़बड़ हो तो वो घबरा जाते हैं। तो बहुत कमी महसूस होती है इस वक्त आके अपने घर में बुज़ुर्गों की, क्योंकि हमारे घर में बुज़ुर्ग नहीं हैं, मेरे सास मेरे ससुर, तो पहले से ही अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे वो वफात पा गए हैं। और मेरी सास बहुत अच्छी थी, वो भी वफात पा गई। पहले मेरे ससुर तो काफ़ी अरसा हुए फौत हो चुके थे, अल्लाह ताला उसको जन्नत में जगह दे। और मेरी सास को तकरीबन 6-7 साल हो गए फौत हुए। मेरी बच्चे जो बड़े बड़े थे काफ़ी, तकरीबन फिजान, अदनान और मेरी बेटी, ये थे 3 बच्चे, और हसीब नहीं था उस वक्त जिस वक्त मेरी सास फौत हुई थी। तो अब जो है ना, हम कहीं भी जाते हैं ना तो महसूस होता है कि अगर हमारे बुज़ुर्ग यानी हमारी सास होती या मेरा मेरे ससुर होते तो वो घर पर होते, घर का ख्याल रखते, तो हमें इत्मीनान और सुकून से जहाँ भी जाते अपनी मर्ज़ी से जाते और वापस आते। लेकिन अभी जहाँ भी जाते हैं ना तो पीछे घर की टेंशन रह जाती है, क्योंकि बच्चे घर में अकेले होते हैं, अगर थोड़ी सी गड़बड़ हो ना तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो जिनके घर में बुज़ुर्ग हैं तो उनसे मैं इतना ही कहूँगी कि अपने बुज़ुर्गों की बहुत ही खिदमत किया करें, क्योंकि बुज़ुर्गों के बग़ैर कुछ भी नहीं है। अपने अम्मी अब्बू सास ससुर इनकी खिदमत करें, इनकी इज्जत करें। तो अभी इसको देखो, अभी टाइम मिला है खाना खाने का है? सुबह भी हुई है। तकरीबन कितने बजे? 12 बजे। 12 बजे सुबह हुई है ना? 8 बजे। नमाज पढ़ी थी सुबह सुबह? भूल गए थे ना? थका हुआ था, लेट उठा था, पता नहीं आज क्यों नहीं पता चला। नमाज पढ़नी चाहिए। आप सुबह रात को सारी रात जागते रहते हैं, सुबह जब नमाज का वक्त होता है उस वक्त सो जाते हैं। थका हुआ था इसलिए फिर आइंदा जल्दी उठा करें, ठीक है? और सुबह सुबह उठ के नाश्ता किया करें। 12 बजे नाश्ता ना क्या करें, 12 बजे आप जाम जाते हैं, चले जाते हैं, मुझे साथ लेके। हाँ, इसीलिए आपने रात को ना जल्दी जल्दी हमें बुला लिया। चलें तुम नाश्ता करो। जो है ना ये गुलहरी जो है ना, ये हमें बेर खाने नहीं दे रही, क्योंकि सारे के सारे बेर काट के नीचे फेंक रहे, और नीचे से हमारा कहीं से हाथ नहीं पहुँचता कि हम नीचे से बेर तोड़ के खा लें, क्योंकि इस साल ना काफ़ी बेर ऊपर की जानी पर। तो बच्चे तो आते हैं शाम को, फिर शाम को बेर खाने का दिल नहीं करता, इस वक्त ना बेर खाने का दिल करता है। आज मैंने ना लास्ट सोचा है कि मैं खुद जाऊंगी ऊपर चढ़ के, सीढ़ी से चढ़ के, और ऊपर से जाकर बेर तोड़ के आऊंगी। तो मैं अभी जा रही हूं ऊपर, आप लोगों ने ना ख्याल करना है मैं गिर ना जाऊं, ठीक है ना? कि ना ख्याल करना है आपने नीचे से सीढ़ी का, मैं खींच लूँगी नीचे से, फिर मैं आपको मारूँगी, पता है कितना मारूँगी। आप नहीं आएंगे ऊपर? मोबाइल बंद करो, ऊपर आ जाओ। देखें हम ऊपर आ चुके हैं बेर खाने के लिए, और साथ में बच्चे ऊपर नहीं जा रहे, बेर खाने के लिए ऊपर आए हैं। बाबर कहता है आप ऊपर चली जाएंगी, मैंने कहा नहीं नहीं ऊपर मुझे अभी नहीं जाना। तो अभी हम बेर खाने के लिए ऊपर आए हैं, और ये देखें बच्चों के हाल देखो, कुछ गिलहरी खा गए, इधर उधर सारे के सारे बेर बच्चे खा गए हैं। ये पक्के बेर लग रही हैं, चख के देखते हैं भी। बड़े मजेदार हैं बेर, उस तरफ मेरे ख्याल में पके पके रहे, उधर चली जाओ, उधर गिर तो नहीं जाऊंगी। ये पकड़ो, मुझे ऊपर जाने दो दीदी, आगे ऊपर जाने दो, इसमें बाहर जाओ। फिर मैंने थोड़े इसमें डाले, ख्याल करना मैं आगे बेर तोड़ता थोड़े नीचे ना चली जाऊँ कहीं। तो अभी ये देखें बेर मैंने तोले और बैठ के मैं खा रही हूँ बेर। शाम को पेट में दर्द हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, इतनी मुश्किल से तो मैं ऊपर आई हूँ बेर खाने के लिए। नीचे जा रही हूँ, ध्यान से मैं नीचे जा रही हूँ, अभी मुझे डर लग रहा है कहीं गिर ना जाए। मुझे डर लग रहा है भाई,
शुक्र है शुक्र है नीचे उतर कर गए। चलो अब आप भी आ जाए। देखो कैसे लगते हैं अभी कच्चे हैं। अभी इतने पक्के नहीं है लेकिन सारे के सारे गुलाई खाए जा रही है ना इस वजह से मैंने कहा हम भी खा ले कुछ चले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम भी करो सलाम। हुजूरिया अस्सलाम वालेकुम। सलाम करो। आज भी मेरे पास चढ़ेंगे आप जी। हाँ तो आज हुरिया के साथ खूब खेलेंगे है ना। कल हुरिया के साथ जैसा खेला था आज गुस्सा कर रही है। क्यों उसे पता चल गया ना आज फुफो के पास ठहरना है। आज भी कल भी फुफो के पास थी आज भी हुरिया का दूध है। अच्छा पानी इसमें है। अच्छा आपको आप कहाँ जा रहे हैं अभी। मीटिंग मीटिंग पे जा रहे हैं। चले चले आओ हुरिया जाओ आओ। मेरे पास नहीं रहोगी। ओ ना अच्छा दादी माँ के पास चलो। दादी के पास चलते दादी के बात सुनो बात सुनो। चलो दादी के पास चलते। अबे हाँ माँ अभी तो मैं हुरिया को चूड़ियाँ दिखाने का तो मैं हुरिया को पूरी चूड़ियाँ पहनाती हूँ और प्यारी प्यारी सी चूड़ियाँ पहनाऊंगी। हुरिया देखकर खुश हो जाएगी। ठीक है ये मेरे पे हुरिया की गाड़ी है। हुरिया घर में बैठा थी आप गाड़ी की सैर कराएं। हाँ चल ठीक है सैर भी करवा हुरिया को गाड़ी की सैर भी कराएंगे। चूड़ियाँ पहनी हुई थोड़ी हुई है हुरिया पहनेगी पहनेगी हुरिया। ये देखो चूड़िया पहनेगी हुरिया। हाँ बहुत ही प्यारी प्यारी चूड़िया है खूबसूरत सी चूड़िया। ये देखें हुरिया पहनेगी ना। हाँ मजेदार चूड़िया अभी हुरिया खुश हो गया। देख हाँ अभी खुश हो गई है। चले ठीक है इधर बैठो बैठ जाओ बैठ जाओ बैठो कि नहीं। हुरिया जो है ना आज रोए जा रही है कहती है मुझे आपके पास नहीं छेड़ना। कल तो सारा दिन मेरे पास ही रही है फिर आज ही रो रही है। क्यों नहीं रुक रही रो नहीं रही आप। मैंने आपको आपके लिए चूड़ियाँ रखी हैं देखो चूड़ियाँ पहनाऊंगी। चले चले अभी जाओ अभी जाती है फिर आ जाएगी। हाँ थोड़ी देर बाद उन्हें कहेंगे पहुँचा देंगे। ठीक है हाँ ठीक है। हुरिया ने आज आज बिल्कुल ही रोना शुरू कर दिया। हुरिया ने कहते मुझे नहीं ठहरना आज आप। हुरिया बाय बाय आज वो बाय बाय भी नहीं कर रही। बाय बाय हुरिया। ये देखिए चूड़ियाँ तो हमने पहननी है और अभी हम जा रहे हैं बाहर कुछ खाने का इंतजाम करते हैं क्योंकि सिकंदर भाई को ना भूख लगी हुई है। तो व्यूअर्स अभी रोटियां तो हमने पका के रखी हुई थी तो सिकंदर भाई अचानक आके कहते हैं मुझे भूख लगी है तो मैंने सोचा है कि रोटियां भी गर्म कर लूं और खाना तो अभी थोड़ी देर बाद बनाएंगे तो अभी सिकंदर भाई को जाना है ड्यूटी पर तो मैंने सोचा है कि अभी गर्म रोटियां भी कर दूँ एक अंडा फ्राई कर दूँ सिकंदर भाई के लिए। तो अंडा फ्राई कैसे करते हैं तवे पे ये खाते हैं आप लोग। मैं अंडा खाऊंगा तो थोड़ा सा मक्खन भी डाल सकता हूं। तो ये रोटियां हमारी गर्म हो चुकी हैं और अंडे को हमने मिक्स कर दिया है तो अभी इसको हम रोटियों को उतार लेंगे इसको साइड पर रख देंगे पराठे देर के साथ। और ये घी गरम हो गया है जैसे ही घी गरम होगा इस पर हम घी लगा क्योंकि आग थोड़ी जलानी है अंडा जल ना जाए। तो ये जो है ना नाश्ता तैयार हो चुका है सिकंदर भाई का। अब नाश्ता कराते हैं। अभी जो है ना ये नाश्ता सिकंदर भाई के लिए लेकर आए हैं रायता है और ये मक्खन है और ये एक अंडा फ्राई। ठीक है आप नाश्ता करें मैं आप लोग आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। चौधरी बाबा अल्लाह आपकी नसीब करे। खा लिया माँ मुझे आईफोन न्यू ले कर दें बता रहा हूँ मैं। ये देख आईफोन बना बना के थक गया हूँ। तेरा आईफोन खोल लिया। आप मन रहा है सच ला रहा हूँ मैं गरीब बंदा हूँ आपको दुआ करूँगा। तो अभी जो है ना सिकंदर भाई भी नाश्ता कर रहे हैं और फिर अभी बच्चे आप थोड़ी देर में आते होंगे क्योंकि दोपहर को जब वो आते हैं तो खाना दही घर में ही आकर खाते हैं साथ में नहीं लेकर जाते हैं। और सेब को कभी कभी ज़बरदस्ती में दे रही थी ना खाना तो वो कह जो वापस लेकर आ जाता कहता था मैं इधर ही घर में बैठकर खाना खाऊंगा तो आज वो लेकर ही नहीं गया।
उनके लिए बच्चों के लिए खाने का इंतजाम करना है। लेकिन आप लोगों से हम चाहेंगे इजाजत इस दुआ के साथ, अल्लाह ताला आप सब बहन भाइयों को खुश रखे, बाद रखे, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।